हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग डेली की तरह हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जहां पर आपके 50 प्रश्न हैं और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 54 है। इसके पहले हम लोगों ने 53 प्रैक्टिस सेट लगवा चुके हैं। अगर आपने नहीं लगाया है या नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर धीरे धीरे करके सभी वीडियो को देखते जाइए और अपना टारगेट 45 प्लस ही लेके चलना, इसके कम लेके मत चलिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो पुराने बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, लगभग उनके 45 प्लस आने लगे हैं, लेकिन बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बोलते हैं कि 40 के नीचे, मतलब 40 के ऊपर तो सबके आते हैं और आना अनिवार्य भी है, ठीक है। तो आप भी अपना टारगेट 45 प्लस बना लीजिए। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जितनी भी वीडियो हम डालें आपके पास वो पहुंच सके। चलिए, क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तिनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहां पर आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर बी नंबर, आपका निरापराध। निरापराध ये आपका अशुद्ध है, और आपका शुद्ध क्या बनेगा तो आपका होता है निर्धन अपराध। क्या होता है? निर्धन अपराध। तब आपका बनता है निरपराध। क्या बनता है? निरपराध। यहां पर आपका बड़ा की मात्रा नहीं लगेगा, आपका बनेगा निरपराध बनेगा, ठीक है, निरपराध बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब इसका उपसर्ग निकालते हैं वो आपका निकलता है निर। क्या निकलता है? निर प्लस फिर आपका क्या हो जाता है? अपराध। इस कारण से आपका यहां हो जाएगा निरपराध। क्या हो जाएगा? निरपराध हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। हमने आपको बता दिया है कि लास्ट तक प्रश्न पढ़ा करिए, ताकि वहां पर है या नहीं, दो प्रश्न आपसे कभी कभी घुमा देता है और आप लोग जैसे अमृत देखा आपने आंसर लगा दिया। यहां पर ऑप्शन आपका दिया है कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा डी, आपका रसाल, ठीक है। रसाल, रसाल होता किसका है, तो रसाल होता है आम का पर्यायवाची। क्या होता है? आम का पर्यायवाची। और यहां पर अमृत का नहीं है, अमृत की कह सकते हैं आपके सुधा, हमी, मधु आदि आपके अमृत के पर्यायवाची होते हैं, रसाल आपका आम का पर्यायवाची है, ठीक है ना। और आज की इस प्रैक्टिस सेट में भी आपके दमदार आपके प्रश्न मिलेंगे, नए प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे, काफी अच्छा आपका प्रैक्टिस सेट है। आपका कह रहा आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए, अर्थात किसमें आपका संबंध कारक है। चलिए यहां पर नजर डालिए चारों ऑप्शन में, और यहां पर देखिए जिसमें से संबंध आपका दिया रहा हो, और यहां पर आपका जो संबंध दे रहा है वो आपका कौन सा है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है वाक्य संबंध कारक है। क्यों? क्योंकि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्या का प्रयोग हुआ है? यही दर्शा रहा है आपका संबंध कारक। समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है, अर्थात आपका यहां पर रेखांकित किया गया है देश भर के युवा। देश भर के युवा ये है क्या, यहां पर आपसे पूछा है, तो ये आपका संज्ञा पद है। क्या है? देश भर के युवा आपका ये संज्ञा पद है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण है, ढूंढना है कर्मवाच्य, और पहले ही आपका आंसर हो जाएगा पत्र लिखा जाता है। क्या? पत्र लिखा जाता है। यहां पर फोकस किस में कर रहा है? लिखना पर, ठीक है, लिखना, पत्र लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। वहीं पर अगर इनमें बात करें ये दो में, तो यहां पर राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मैं आपकी कृतवाच हो जाएगा, लास्ट वाला आपका दिया है मुझसे बैठा नहीं जाता, अर्थात ये आपका भाववाच्य हो जाएगा, जो कि आपकी अकर्मक क्रिया होती है भाववाच्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। यहां पर देखिए तो ऑप्शन राइट आपका ए, आपका जो दिया है वेदना, वेदना शब्द जो दिया है आपका स्त्रीलिंग है। वहीं पर अध्याय, त्याग, नेत्र आदि आपकी ये पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, क्रिया विशेषण पदबंध है क्या, इस पर आपको देना। कह रहा है कि उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है,
उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, यहां पर आपको क्रिया विशेषण आपको देखना है। ठीक है, तो यहां पर क्रिया विशेषण है क्या? सेवन का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, उस पहाड़ी के पीछे। उस पहाड़ी के पीछे वाक्यांश आपका क्रिया विशेषण पदबंध आपका दर्शाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। हमने कहा था काफी अच्छे आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको दो चार क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको। कह रहा है वियोग श्रृंगार की जो दशाएं होती हैं वो आपकी दशाओं से दस, याद रखना दशाएं और आपका दस मतलब दस दशाएं होती हैं। कैसी? अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उर्दग, गुण, कथन, प्रलाप, उन्माद, व्यधि, जड़ता, मरण। ठीक है, ये आपकी दस होती हैं जो कि वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है? मतलब इसमें से प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है, कौन सा नहीं है? नाइन का ऑप्शन राइट आपका ऊपर हो जाएगा सी, आपके बाप रे बाप, बाप रे बाप, यहाँ पर आपका प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है, यह आपका शोक सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय है। ठीक है, शोक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि बोरों सबै रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरत्याथ बान की वाय उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थ है, ये पंक्ति किस रस का उदाहरण है? ये आपकी जो पंक्तियां हैं यहाँ पर आपका कौन सा है? तो ये आपका है जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा रौद्रस, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि रौद्रस का उदाहरण है, जहां किसी विरोधी दुष्ट अपकारी आदि के कार्य या चेष्टाओं के क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा हो वह आपका रौद्रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा उप विराम किस चिन्ह है, अर्थात उप विराम का चिन्ह बताना है आपका कि उप विराम कौन सा है यहाँ पर। तो देखिए आपका जो ए नंबर आपका है उप विराम, ये आपका होता है उप विराम। ठीक है, जैसे मान लीजिए होता है कामायनी एक अनुशीलना, ठीक है, तो कामायनी होता है उसके अगर से लिख लेते हैं ये हो जाता है आपका एक अनुशीलना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो तुलसीदास आपके कबीरदास और सूरदास ये आपके जो कवि हैं आपके भक्ति काल के संत कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल के संत कवि हैं, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अजंत के लिए सही संत विच्छेद को चुनिए, अजंत अर्थात अजंत जो आपका हो जाएगा अच धन अंत, क्या हो जाएगा? अच धन अंत, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और यह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, जहां किसी भी वर्ग के व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ड अथवा कोई स्वर आए तो पहला वर्ड अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन वर्ड में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर चा हुआ है तो आपका ज में बदल गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है और हमेशा से ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आपका बी, आपका जो प्रत्येक होता है ये आपका एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, एक वचन में होता है, ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है? क्षणिक, और क्षणिक का यहाँ पर विलोमार्थी कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 15 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, शाश्वत। ठीक है, क्षणिक का विलोम होता है आपका शाश्वत होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? शाश्वत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वह की त्रुटियां सुधारिए। यहाँ पर आपका जो त्रुटि है वो त्रुटि है कुछ ना कुछ, ये त्रुटि है क्या? तो देखिए यहाँ पर आपकी त्रुटि है सी नंबर पे। ठीक है, यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। ठीक है, यद्यपि वह बीमार था तद्यपि वह मेला देखने गया, ये हो जाता आपका क्या? यद्यपि वह बीमार था तद्यपि वह मेला देखने गया, ये होता है। मतलब यद्यपि के साथ आपका तद्यपि लगा होता है वही आपका शुद्ध होता है, यद्यपि तद्यपि। ठीक है ना, जिसे तद्यपि वो तदापि बोलते हैं ना वही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि माला फेरत जुग भया गयन मन का फेर करका मन का डर के मन का फेर, इस पंक्तियों में अलंकार आपसे पूछ रहा है। और यहां पर आपका अलंकार हो जाएगा कौन सा? सी नंबर आपका हो जाएगा यमक अलंकार। यहां मन शब्द तीन बार प्रयुक्त किया गया है जिसका अर्थ भिन्न भिन्न है। ठीक है, देखिए आपका यहां पर
मन, फिर इसके बाद मन, फिर मन, ये आपके यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। और यहाँ पर पहले मन का मतलब है चीता का, मनका का मतलब होता है माला का मोती, और मनका का मतलब होता है तीसरा हृदय का मोती या विचार। जहाँ एक शब्द के बार बार प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। हास्य का विलोम कौन हो जाएगा यहाँ पर, आपका सी आपका रुदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका हास्य का हो जाएगा रुदन, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, और यहाँ पर आपका जो अनिश्चयवाचक होता है वो होता है आपका यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन डी कोई। जो आपका कोई शब्द होता है, ठीक है, कोई शब्द जो डी आपका दिया है कोई शब्द, ये आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि उसे होता है कि दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है मतलब जरूरी नहीं कौन है कौन नहीं, इस कारण से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है उपयुक्त के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है उपर्युक्त, और उपर्युक्त का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो कि डी नंबर है उपर धन उक्त। क्या बनेगा उपर धन उक्त बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर 20 का हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा उपर धन उक्त। यह आपका यण संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पर देखिए यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर आपका जो अगला है वो आपका छोटा ऊ है, तब ये बनता है यू। क्या बनता है एस बनकर यू, और ये आपका जो बनेगा आपके कह सकते हैं ये आपका बनता है आपके यण संधि में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित करना है, और कोई त्रुटि ना हो तो डी से इंगित करना है। अब यहाँ पर देखना है आपको त्रुटि का आपकी डी कहाँ पर है, तो देख लीजिए आपको गलती कहीं पर मिल गई होगी पहले से ही, कृपया आप ही, ये आपका त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पर आपका सही वाक्य होता है आप ही, मतलब कि इस पर पढ़िए कह रहा है कृपया आप ही या बताने की कृपा करें, ये नहीं होता है आपका यहाँ पर शुद्ध होता है कृपया आप, मतलब ये गलत होगा तो यहाँ पर आपको आप ही या बताने की कृपा करें, ये होता है कृपया नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप और कृपा दोनों चीज कैसे लगा सकते हैं, एक ही लगाना है ना, इस कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। दुम दबाकर भागना, ऑप्शन राइट 22 का यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर आपका जो डर कर भागना, ठीक है डर कर भागना, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा वाक्य सात्य बोधक भविष्य काल में है। सातत्य बोधक काल, ठीक है सातत्य बोधक भविष्य काल में है, यहाँ पर पूछा गया है सातत्य भविष्य काल में है, सातत्य बोधक भविष्य काल 23, और यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा जवान देश की सेवा करते रहेंगे, ये आपका सत्य है और सत्य है मतलब सातत्य मतलब जितनी बार कहा जाए उतना ही कम है इनके लिए, और ये भविष्य की भी बात हो रही है तो बिल्कुल सत्य बात आपकी कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो दिया है आपका टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद, इसका आपका टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद हो जाएगा यहाँ पर आपका देखिए बोलने से आपका लग रहा है कि गवाही प्रदान या प्रमाण भेंट करना, मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा जो आपका प्रमाण पत्र होता है, ठीक है प्रमाण पत्र होता है ये आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस सूत्र आपका प्रमाण पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। हमेशा से प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है कालिंदी, और कालिंदी जो पर्यायवाची होती है वो आपकी यमुना की होती है, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे बढ़ा चढ़ाकर कही बात के लिए एक शब्द निम्न से कौन सा है। बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहते हैं उसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन आपका डी अतिशयोक्त बोलते हैं उसे, अतिशयोक्त अलंकार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विकृति आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है, यहाँ से आपकी जो उत्पन्न होता है वो आपकी क्या होती है 27, और ऐसी स्थिति में आपकी हास्य रस उत्पन्न होता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर विकृति आकार वेश बोली, ठीक है ना। तो आपकी विकृति अगर आती है वो आपके हास्य के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेषण है, यहाँ पर आपका विशेषण पूछा है, और विशेषण यहाँ पर आपका हो जाएगा जो शांत है, शांत आपका यहाँ पर विशेषण हो जाएगा।
शांत, ठीक है, जो कि शांत शब्द आपका गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। लंबाई, बुढ़ापा, समझ, ये तीनों आपकी भाववाच्य है, लेकिन शांत आपका यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 14-14 या आपके 16-12 यात्राओं पर यति होती है। देख लीजिए, और हम आपसे हमेशा बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़िएगा, और आपकी ये जो आपका छंद है वो आपकी हर गीत का सामसिक छंद है। किसमें है? हर गीत का। देखो, गीतिका में होते हैं 26 जो कि सममात्रिक छंद है। आपको एक ट्रिक बताते हैं, जैसे कि मतलब होता है चार गीत हरी, यहाँ पर 4 से 4 पाई होती है, ठीक है, और आपका यहाँ पर 4 गीत से आपका जो हमने बताया कि आपका जो आया था गीतिका, और फिर आपका होता है हर गीत का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, आपके गीतिका में 26 मात्राएं और आपके हर गीतिका में 28 मात्राएं। गीतिका में 26, हर गीतिका में कितनी? 28 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका 29 को कौन सा हो जाएगा? अब तक समझ गया होंगे ना, आपका सी आपका हर गीत का है, ठीक है, हर गीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है? निस उपसर्ग से बना आपका शब्द, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, आपका निष्पाप, ठीक है, निष्पाप, अर्थात इसे हम लोग तोड़ेंगे तो आप निकलेगा निस, ऐसे होगा, ठीक है, फिर आपका लिखा गया पाप, तो ये शब्द आपका बना है निष्पाप, ठीक है ना, ऑप्शन आपका समझ गए, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे सर्प के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए, अर्थात सर्प की जो पर्यायवाची होती है वो आपकी कौन हो जाएगी? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपका ब्याल, भुजंग, उरग, ये आपके तीन होते हैं, ब्याल, भुजंग, उरग, जो आपके सर्व के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से कौन सा शब्द लिया गया है, यहाँ पर देखिए, और 32 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपका कारतूस, ठीक है, कारतूस शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और गार्ड, सूटकेस अंग्रेजी भाषा से, ठीक है, गार्ड और सूटकेस ये आपके अंग्रेजी भाषा से हैं। वहीं पर अगर बात करें अलमारी, और अलमारी होती है आपकी पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहे हैं नीलकंठ में निम्न से कौन सा समास होगा? नीलकंठ, और नीलकंठ में हमने बताया कि जब ऑप्शन कर्मधारय भी हो और बहुवरी हो तो आपको बहुवरी समास बताना है, क्योंकि नीला है कंठ जिसका अर्थ शिव भोले का है, और वैसे अगर आपका बहुवरी समास नहीं होता तो नीला मतलब विशेषण और आपका कंठ हो जाए विशेष, और विशेष विशेषण आपका होता है कर्मधारय में जिसमें तुलना होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे रेखांकित का सही सामसिक विग्रह निम्न से कौन सा होगा? रेखांकित, अर्थात कह सकते हैं कि रेखा से अंकित, ठीक है, रेखा से अंकित, और यह आपका करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रेखा से अंकित, यह आपका तत्पुरुष करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट आपसे भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो उन्होंने 8 मानी है, ठीक है, कितनी मानी है? 8 मानी है। कौन कौन से? तो आपके श्रृंगार, हास्य, करुड़, रौद, वीर, भयानक, विभस, अद्भुत, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना है रस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा आपसे निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द देखिए आपका यहाँ पर कौन सा दिया गया है, और ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ए, आपका कारण, ठीक है, आपका जो कारण है ये तत्सम शब्द है। जो लोहा है, लोहा का तत्सम होता है लौह, बंदर का आपका तत्सम होता है वानर, और दूध का तत्सम होता है दुग्ध, याद रहेगा ना, ये जो कारण है आपका ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? ये आपका दिया है 37, और ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपके मैथिली शरण गुप्त को। किसको? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। इनकी कृति एक भारत भारती, जो कि 1912 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी, इसलिए महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, 38 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन आपका सी हो जाएगी, मगधी। जो मगधी है
ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियां है और राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती है। राजस्थान मारवाड़ी मेवाती, ठीक है, मेवाड़ी मेवाती ये आपकी होती है, लेकिन आपकी मगधी ये आपकी नहीं आती, ये आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं 39 नंबर, जो ना दिखाई पड़े के लिए एक शब्द निम्न से कौन सा होगा, जो दिखाई ना पड़े उसे हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका अदृश्य, बी नंबर अदृश्य होता है, क्या होता है अदृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप मिलाप आप क्या निकल रहा है आप, ऑप्शन आपका बी मिलाप आप बी हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है दीर्घ तथा विवृत स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर भी हो और आपका विवृत स्वर भी हो, ठीक है ना। यहाँ पर दीर्घ आपका जो बड़ा है, ठीक है, 41 का ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका जो दिया है बड़ा अर्थात ए नंबर आपका है, ये आपका दीर्घ स्वर भी है और आपका विवृत स्वर भी है। और देखिए जिसके उच्चारण में मुख खुला हुआ और जीवा नीचे पड़ी रहे उस स्वर को विवृत स्वर कहते हैं, ठीक है ना, ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कहें उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है, हमने पिछले प्रैक्टिस में शायद बताया भी था कि जो आपका उपेंद्र वज्रा है वो आपका वर्णिक छंद होता है, कौन होता है वर्णिक छंद, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा वर्णिक छंद। देखिए इसके प्रत्येक चरण में जगड़ तगड़ जगड़ तगड़ जगड़ तथा दो गुरु के क्रम से 11 वर्ण होते हैं, ठीक है ना, यह होता है आपका उपेंद्र वज्रा। नेक्स्ट आपसे मूल पाठ का शब्द अनुवाद कहलाता है, अर्थात जो मूल पाठ का शब्दांश होता है उसे अनुवाद कहलाता है, उसे हम लोग 43 का ऑप्शन बोलते हैं यहाँ पर शब्दानुवाद, क्या बोलते हैं शब्दानुवाद, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा शब्दानुवाद बोलते हैं। 44 नंबर कह रहा है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निम्न से कौन सा है, बिना पलक झपकाए अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा अपलक, ऑप्शन ए हो जाएगा अपलक यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आपका देखिए आपका जो पहला है अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह रहेगा, लेकिन आपके ये जो 4 हैं वो आप में परिवर्तन हुए हैं, सही परिवर्तन क्या हो जाएंगे। तो देखिए इसमें से आपका जो सही परिवर्तन होगा तो आपका तो ये तो दिया प्राचीन काल में, फिर आपको यहाँ पर ला अर्थात इसको लाना है, ठीक है, इसके बाद आपको इसको लाना है ला को, ला के बाद आपको रा को लाना है, ठीक है, रा को लाना है, रा को लाने के बाद आपको वा को लाना है, ठीक है, वा को लाना है, वा को लाने के बाद आपको या को लाना है, ठीक है। जब इनको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था, अतः यहाँ पर देख लीजिए आपका ये सही हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि गद्यांश को पूछकर दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ये लास्ट में आपके हैं और गद्यांश है, और हमने आपको बताया है कि गद्यांश लगभग हमने आपको बहुत बार सॉल्व कराया 45, वैसे इतना इजी नहीं होता कि इतनी जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, किसी किसी प्रैक्टिस सेट में हम आपको लगवा भी देते हैं, और हमने आपसे बताया है कि ये 5 नंबर आपके खाते में हमने जो रेगुलर रहे हैं जो बहुत पहले से देखे हैं उनके लिए 5 नंबर दे रहे हैं, अगर जो नए नहीं मतलब पुराने हैं तो वो लोग क्या करेंगे सबसे पहले इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर आप यहाँ पर स्टार्ट करिए आप लोग गद्यांश को पढ़ना। जैसे ही आप गद्यांश में पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न जो पढ़े आपके दिमाग में होंगे और तुरंत रुकेंगे कि नहीं ये तो हमने पढ़ा है अभी हाल ही में, और तुरंत रुकोगे, जैसे मान लो इतना पढ़ दिया, ठीक है, कि उनका जन्म कहाँ हुआ था 7 मई को हुआ था, तो इसके पहले तो आपने प्रश्न पढ़ लिया है अर्थात आंसर यहाँ पर आपका यही हो जाएगा, तुरंत आप आंसर लगा देंगे, यही होती है इसकी शॉर्टकट विधि होती है, ठीक है ना, समझ में आया होगा पूरा वीडियो। अगर वीडियो पूरा समझ में आया तो वीडियो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लेलिस्ट हमने बना दिया है तो प्लेलिस्ट में जाकर धीरे धीरे सभी वीडियो देखते जाइए, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।